दोस्तों पहला तो लक्की रिकॉर्ड के चैनल के सारे दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल। जिदा असी तुहानू समय समय से बक बक पर्सनैलिटियां नाल मिलाउंदे रहिंदे आ, अज असी गल करते हैं मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन पंजाब रजिस्टर्ड नंबर 295 जथेबंदी, जिस जथेबंदी की अज 25वें साल की वरेगंढ सी। जथेबंदी ने अपने तन ते हजारा कष्ट निभा के लखां लोगों का पालन पोषण किया है, क्योंकि सरकारां जो अज दियां सरकारां आ वह चाहे 65-70 साल हो गए देश नूं आजाद होए, ना तो देश दे विच कोई भी मैडिकल सुविधा जां लोकां नूं नौकरियां इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दे सकी। पर मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन पंजाब जो डॉक्टर रमेश कुमार बाली जी की अगवाई दे विच काम करती आ, इस संस्था ने लखां घरां दी रोजी रोटी चलाई आ। अज उन्हां दी 25वीं वरेगंढ सी ते अज उन्होंने वरेगंढ मनाई आ। 25वीं वरेगंढ ते आपां बाली साहब कोलों जाणदे आ कि 25 सालों के कड़ा कि संताप हंडाया तो किन्ने लोगों रोजी रोटी दे पाया। तो करोना के भी मैं गल होर दसना चाहता, करोना के भी पहल के रूप में जथेबंदी ने घर घर जाके मौत नूं अपने सिर ते कफन बन के गरीब लोगों के रात नूं दिने रात घर घर जाके दवाई का प्रबंध किया। जे किसी को पैसे है घट है नहीं है हरेक रूप के इन्होंने मदद की है। आओ आप गल करते हैं डॉक्टर रमेश कुमार बाली जी। मेडिकल प्रैक्टिस एसोसीएशन पंजाब रजिस्टर नंबर 295 दी अज सिल्वर जुबली मनाई गई है। सारे पंजाब दे विच जिहड़ी आ उह सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, और मैडिकल प्रैक्टिस इस 25 साल पूरे होने ते बड़ा उत्साह आ। उत्साह क्यों आ? क्योंकि मैडिकल जिहड़े प्रैक्टिस है एक वो जथेबंदी आ जिहनू एक बहुत लड़ाकू जथेबंदी कहा गया है। पिछले समय के बहुत सारे साथियों ने लिखा भी सी अखबारों में भी हाँ एक इस किस्म की जिहड़ी जथेबंदी। मैं इस जथेबंदी काम करदे आ चाहे 27-28 साल के करीब अरसा हो गया इस कम करदे आ। मैं अपने आप एक बहुत अपने आप खुशकिस्मत महसूस करता कि मैं उस जथेबंदी चाह जिस का नारा मानव सेवा परमो धर्म है। मानव सेवा परमो धर्म नारा ही नहीं, मैडिकल प्रैक्टिशनर ने पंजाब दे विच जिन्ने भी लोग ने जिन्ने भी लोगों के मसले ने उन्होंने लड़ाई दी है, और जिन्ने भी लोगों दी मुसीबत ने उन्होंने विरुद्ध लड़ाई दी है और मुसीबत को हल किया। जे असीं कह लईए कि जो कित खूनदान की भी गल चलती आ तां साडी जथेबंदी ने मैनूं लगता कि 100 तो वध खूनदान कैंप लाए ने, और लोगों के जिहड़े गरीब लोग है उन्होंने मतलब कम मतलब उन्होंने ठीक करने के लिए जिहड़ा आ वह खून लोगों को दिता गया। अखां दे फ्री कैंप लाए ने, और अखां डोनेशन दे कैंप लाए ने, और फ्री मैडिकल कैंप लाए ने, और इत्थों तक कि हड़ां दे विच जदों हुण पिछले समें च कोई हड़ आया और जिंदर दे इलाके दे विच जिहड़ा बहुत मारू हड़ सी, और उस समय दे विच मैडिकल प्रैक्टिस एसोसीएशन पंजाब ने रजिस्टर नंबर 295 ने लगातार उत्थे बैठ के कैंप लाए ते लोकां नूं बेड़ी जाके भी दवाइयां दित्तियां घरां जाके। जिहड़े पिंड पानी नाल घिरे हुए सी उत्थे जाके लोकां दी उन्होंने सेवा की, और इस तरह जिहड़ा इलाका है नूपुर बेदी वाला बहुत वड्डा जिहड़ा हड़ आया सी इस समय दे विच कुछ साल पहलां, तो उस समय भी इहो जिहे जिहड़े उन्होंने काम किए कि लोगों को जिहड़ियां सहूलतां दित्तियां ने, और लोगों के फ्री इलाज भी करा, तो पुलिस भी इत्थे ही पुलिस के 150 तो वध जिहड़े आ उह नशे के मामले से सस्पेंड किए गए हैं। अफसर और SSP तक DSP तक इंस्पैक्टर तक वो बिच ने, तो फिर वह सारे पुलिस वाले थोड़ी माड़े आ, जिहड़े लोग माड़े ने उन्होंने कार्रवाई करो। मैडिकल प्रैक्टिस नशे की आड़ हेठ इन्हों का उजाड़ा ना करो। ये गल जी है सेहत मंत्री भविंदर का पहला हो चुकी है, और ईवन कि यह गल जो बलबीर सिंह सिद्धू जी सेहत मंत्री उन्होंने भी हो चुकी है, और कैप्टन के जोड़े OSD ने ते कैप्टन संधु साहब उन्होंने भी हो चुकी है, बहुत सारे मंत्रियों MLA ने यह गल हो चुकी है, पर गल सामने आ गई। दूजी गल करोना के मामले के गल स्पष्ट हो गई आ भी वाकई ये डॉक्टर जिहड़े ने पिंडां दे डॉक्टर शहरों की गिनती भी 30% है उच्चे आते हैं, इन्होंने पिंडां दे डॉक्टर कहा जाता है, भी ये जिहड़े डॉक्टर ने वाकई लोगों की सेवा करते हैं और लोगों दिन रात दवाइया देंदे। जो असीं खालिस्तानी मूवमेंट की गल करिए
तो उस समय भी जिहड़े वड्डे डाक्टर सी वो घरां दे विच जिहड़े आ सूर छिपण तों पहलां घरां 'च पड़ जांदे सी, हॉस्पिटल बंद कर लैंदे सी। और असी तां फिर उस समय भी 24 घंटे लोगों के दर ते जाके रात नूं भी साइकलों ते स्कूटरां ते जाके लोगों की सेवा की है। असी किसे गोलियां तो नहीं डरे क्योंकि साडे अंदर जिहड़ी आ वो कम करन दी मनुख प्रति सेवा भावना का कम करन दी जिहड़ी आ उह तक परता आ उहनूं लगे तुरे ते अपनी असी मंगां नूं मनाउण लई बहुत सारियां स्ट्रगल कीतियां, बहुत लाठियां खाधियां, बड़े जिहड़े आ सिस्टम जिहड़े झले ने अपने शरीर ते मन ते भी झले ने, बहुत कुछ सुनना भी किया ते बहुत कुछ किया भी, असी मंत्रियां तक भी गए ते ईवन के असी इस जथेबंदी तो मैं तो यह कहना भी इन्हें वो लड़ाइया दित्तियां जिहड़े कि शायद कोई जथेबंद ने इस किस्म दी लड़ाइया नहीं। और विधानसभा का घराओ हुण विधानसभा दे अंदर चले जाणा और पिछले कुछ महीनों के विधानसभा का घराव करने लिए पुलिस दियां रोकां तोड़ के जाना, ठीक है, पुलिस ने जो कोई जाति की विरुद्ध लड़ना और पुलिस का जो खौफ है वो मन च ना रखना, अपनी स्ट्रगल जारी रखना और पंजाब जिहड़े राजिआं नूं और स्टेज पर बोलदिआं नूं नारे मार के चुप कराना, तो ये जिहड़ी गल है तो ये गल आम जिहड़ी नज़र नहीं आती है। सो इहदे लई मैं ये गल जरूर मैसेज दिंदा सारिआं नूं वे सारे डॉक्टर वीरां नूं भी अज तो बाद कैप्टन के समय समय बच्च सारे डॉक्टर वीर सारे बैर मंडल एक जगह पर इकट्ठे हो के ये जंग लड़िए, इस जंग नूं जितिए, जदों लड़ांगे जितांगे जरूर। जित साडी प्रधान जी मैं तुहाडे कोले पुछणा चाहुंदा हां कि जिहड़े 25 साल दे विच किहड़े-किहड़े मंत्री नूं मंत्री साहब नूं जां मुख्यमंत्री साहब नूं तुसीं मंग पत्र दित्ते आ जां घराओ कीते आ, पिछे तुसीं मतलब कि काफ़ी चर्चा 'च रहे हैं, कुछ तुसीं बलाचौर दे विच एक वारी बादल साहब आए सीगे जां कैप्टन साहब इत्थे नवांशहर आए हैगे जां बादल साहब इत्थे नवांशहर आए, किहड़े-किहड़े मतलब कि मंत्रियां तुसीं घराओ कीते हैगे? वैसे तो बादल साहब तो अभी बहुत बार के रहे, एक बार तो एक गल है जो बलाचौर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी ने आना सी ते SSP ते ईश्वर सिंह जी जिहड़े अजकल DDGP ने उन्होंने यह कहता भी किसी भी हालत में बादल का घराव नहीं हो सकता। और असी फिर वो करके दिखाया, प्लैनिंग इदा की कि मतलब चाहे उस समय च मैं दाढ़ी सी मैं दाढ़ी कटानी पई भी इस बल के जाना पाया, पर असी उस समय के जाके क्या तो SP बलकार सिंह ने मैंने कहा, SP साहब कहते कहते एक ही किया, मैं SP साहब ने कहा मैं SP साहब तुहानू नहीं सुनता की किया, तुहानू 20 बार पहले दस चुके हैं। और असी हैल्थ मिनिस्टर जियानी जाके फाजिलका जाके घेरिया उसकी कोठी का घराव किया, वो मुंडे ने गुंडागर्दी दिखाई, असी भी कहा भाई आ जा बे असी तो मरने तो आए हैं, असी लोगों की हका जो मंगाए हैं उन्होंने लड़ते हैं और लड़ते रहना, असी किस तो कोई डर नहीं कोई भय नहीं रखते। ये सेहत मंत्री ब्रह्मिंदर गल हुई, सेहत मंत्री सिद्धू ना गल हुई, सेहत मंत्री डोगरा ने कहा कि मैं थोड़ी गल नहीं सुननी, आखिर उन्होंने एक गल सुननी पी। प्रधान जी एक मिनट के अगली कोई रणनीति बारे दसना है, अगे थोड़ी कोई नवी कोई रणनीति हैगी है, तो मंगा की है जी? साडिया मंगा आ कि जिथे भारत का सिस्टम है पंजाब ना ले लीए, पंजाब दे विच जे मेडिकल प्रैक्टिसिज ना हो करोना का की ये तो 10 गुना बाद जिहड़े लोग मरनगे, इन्हां दी लोड़ है। मंग की आ कि जिथे जिथे अपनियां क्लीनिका करते ने इन्हां दी अकैडमिक क्वालिफिकेशन लैके 10वीं पास 10 साल का तजर्बा प्लस जिहदे कोल भी कोई भी सर्टिफिकेट है कितों बी अकैडमिक क्वालिफिकेशन है वो किसी भी पैठी च है उन्हों मन लिया जाए वो आधार पर इन्हों रजिस्ट्रेशन की जाए, इन्हों RFB डॉक्टर का सरकार को जो दर्जा वो मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ठीक है।